आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कल दिल्ली गए थे, जिसमें शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में वो मौजूद थे, और उसी बीच वो पटना लौटने के बाद डायरेक्ट मीडिया कर्मियों से बात किया। और मीडिया कर्मियों से बात करते उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिए हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए विकसित भारत का सपना देखते थे वो अब पूरा करेंगे, और ये बहुत भाग्य की बात है। हमारे बिहार के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने बिहार में भी विकसित बिहार की भी बात की है, और जिक्र इस तरह से किया है कि बिहार को भी अब एक नया रूप मिलने जा रहा है। वहीं विजय सिन्हा ने विपक्ष के पलटवार करते हुए कहा कि जो विपक्षी हैं वो काफी बेचैनी में हैं, और जिस तरह के आतंकवाद बातें वो फैला रहे हैं वो उसका भी सफाया बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा जी। देखिए, देश की जनता का जनादेश और आशीर्वाद मिला, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और बिहार को अच्छी भागीदारी हुई है। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद और देश जी की जनता का प्रति आभार है कि आपने तीसरी बार विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने का अवसर दिए हैं। सर, संजय रावत ट्वीट करके कश्मीर के मामले पर कह रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, दूसरे तरफ दहशतगर्द खून की होली खेल रहे थे, 370 हटाए के बाद से हादसे और बढ़ गए कश्मीर में। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी बेचैन है और इनकी सफाया तय है। सर, इंडिया गठबंधन के नेता लोग भी दिल्ली पहुँच रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या लगता है कुछ होगा क्या? बेचैनी उनकी घबराहट उनकी हलचल को बढ़ा रहा है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बिहार की अंबेडकर की भूमिका में है, जो बिहार को आप विदेश राज की दर्जे दिलवा देना। देखिए, न यहाँ कोई किंग है न मेकर है, यहाँ सभी राष्ट्र की सेवा करने के लिए और जनता के दिए जनादेश का ईमानदारी से विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने वाले लोगों का एक परिवार है। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से विजय सिन्हा ने देश के हित के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया, वहीं उन्होंने विपक्ष की भी बातें कही, वहीं उन्होंने किंग मेकर को लेकर के कहा कि यहाँ कोई किंग मेकर नहीं है, सब राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। और बात आती है किंग मेकर की, तो एक नया चेहरा आपके सामने होगा जो देश के लिए सिर्फ काम करेगा, और बिहार में भी इस तरह की सुविधाएं होंगी कि जो आप देख सकेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री के नए कार्यकाल में किस तरह से चीजें आगे बढ़ेगी वो आपके बीच होगा। इतना ही आज के लिए, और मैं इसी तरह तमाम खबरें के साथ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज 24 पर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।